नमस्कार, खबर समेत जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुना पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के परम शिष्य स्वामी परामर्श देव जी ने रविवार को रेलवे कम्युनिटी हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर योग के महत्व को बताया। भारत स्वाभिमान न्यास के जिला कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर शुरू किया। कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने आशीर्वाद वचन वर्चुअल माध्यम से प्राप्त हुआ। परम पूज्य डॉक्टर स्वामी परामर्श देव जी द्वारा योग एवं अध्यात्म एवं आयुर्वेद के विषय को लेकर कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया। उन्होंने योग और आध्यात्मिक के द्वारा हम हमारे राष्ट्र को और राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों को स्वस्थ और समृद्धशाली बनाने का मंत्र दिया। पतंजलि कार्यकर्ताओं को पतंजलि संगठन आने वाले समय में किस प्रकार से कार्य करेगा उस विषय को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस मौके पर भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी राजेंद्र आर्य, पतंजलि के राज्य प्रभारी कृष्ण योगेंद्र सिंह रघुवंशी, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, सीपी रघुवंशी, ओएन शर्मा, हरि सिंह यादव, भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी डॉक्टर एम के विश्वास मंचासीन रहे। यह कार्यक्रम पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान न्यास, युवा भारत, किसान सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़ के कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए। तो सर, हमारे विद्यार्थी भाई बहनों को यहाँ देव प्रयागों की ओर से प्रणाम, बेटी को प्रशंसा करने के लिए कोशिश कर रही है। तो थोड़ा थोड़ा मैं कृपा करके तो हम यहाँ हिमालय की चोटी पर बैठे हुए और चोटी पर चढ़ गए थे कि कौतर आप बैठा दूसरे देखिए महात्मा जी तो बस आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के लाइव कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्वामी परमार्थ देव जी ने अपने प्रवचन दिए, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इसमें सभी लोग सम्मिलित हुए। गुना के कम से कम 2000 लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं और अच्छा कार्यक्रम रहा। स्वामी रामदेव जी ने यहाँ योग से संबंधित जानकारी दी, नए जीवन के बारे में जानकारी दी, कैसे किस प्रकार से जीवन को सफल बनाया जाता जा सकता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, इस विषय में स्वामी परमार्थ जी ने अपने प्रवचन में उद्घोषण दिया। गुना से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।